हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस रिव्यू चेक। आज मैं फायरबोल्ट ऑलमाइटी स्मार्ट वॉच के इंटरफेस और फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रिव्यू नहीं है, उसका तो मैं सेपरेट वीडियो निकालता हूँ। फिलहाल ये वॉच अभी 5000 रुपए में फ्लिपकार्ट में मिल रहा है और ये जो वीडियो है वो टाइम स्टैम्प्ड है। यूट्यूब चैप्टर सबको दिख जाएगा या फिर टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वॉच के इंटरफेस के बारे में बताऊँगा। ऊपर का बटन प्रेस करें तो स्क्रीन लाइट अप होगा। या अगर आप टर्न द स्क्रीन ऐप फीचर जो है अगर वो ऐप में ऑन रखें तो ये लिफ्ट करे तो वेकअप हो जाएगा। या फिर स्टैंड बाय डायल अगर ऑन है वॉच में तो भी स्क्रीन ऑन करने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ जाएगा। तो दोनों फीचर साथ में काम नहीं करते। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है, लिफ्ट टू वेक जो फीचर है, इस बटन को और एक बार प्रेस करने पर आपको अपने स्मार्ट वॉच के सारे ऑप्शन पर लेके जाएगा। उसको मैं एक एक करके बाद में बताता हूँ। इस बटन का अगला पर्पज जो है, अगर आपके अंदर सेटिंग में आप सीधा होम स्क्रीन में आना चाहते हैं तो उसको एक बार क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन में लेके आ जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने पर पावर ऑफ लेके जाएगा। नीचे जो बटन है उसका एक ही पर्पस है, वो आपको सीधे एक्सेस मोड पे लेके जाएगा। इसे भी मैं अलग कैटेगरी में एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट, अगर आप कुछ सेटिंग्स के अंदर हैं, आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करिए, आप एक स्टेप पीछे जाएंगे। ये हुआ इसका बेसिक इंटरफेस। अगला है वॉच फेसेस। स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने पे जो वॉच में सेव्ड वॉच फेसेस है वो आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करिए। या फिर और ऑप्शन चाहिए तो ऐप के अंदर में डिवाइसेस में डायल्स करके ऑप्शन है उसके अंदर जाइए। दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, एक तो ऑनलाइन और एक कस्टम। ऑनलाइन में कुछ 50 वॉच फेसेस है, उसमें आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उसको क्लिक करिए, सिंक करिए इसको। और एक ऑप्शन इसमें है वो है कस्टम वॉच फेस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आप अपने हिसाब से वॉच फेस सेट कर सकते हैं। कस्टम वॉच फेस क्लिक करते ही आपको कुछ कुछ ऑप्शन पूछेगा। पहला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप डायरेक्ट कैमरा से फोटो ले सकते हैं, एल्बम में से एक ले सकता हूँ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। डायल जो है आपका एनालॉग रहना है या डिजिटल रहना वो सेलेक्ट करिए। कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या हेल्थ फीचर आपको उसमें शो करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो हेल्थ फीचर जो दिखा रहा है उसको आप स्क्रीन में मूव करके उसको सेट कर सकते हैं। बस उसको सिंक करिए और ये रहा हो गया। अगले आते हैं विजेट्स में। लेफ्ट या राइट स्वाइप करें तो विजेट्स मिलेंगे। पहला है आपका हेल्थ चार्ट का स्टेप्स, आपका डिस्टेंस और आपको कैलोरी दिखाएगा। ये आपका डेली गोल्स के हिसाब से दिखाएगा। नेक्स्ट आपका हर्ट रेट दिखाएगा। उसके बाद आपका स्ट्रेस स्कोर देगा। ग्रीन है तो आप अच्छे, आपका स्ट्रेस लेवल कम है। ऑरेंज में मीडियम, रेड में हाई। नेक्स्ट है वेदर ऐप। उसके बाद आप क्यू आर कोड रीड करने का दिखाएगा जिससे आप डायरेक्टली आपको स्मार्ट टाइम प्रो जो ऐप है इसका उस पर लेके जाएगा। फिर है म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, उसमें चल रहा है म्यूजिक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो म्यूजिक जो है आपके वॉच से भी आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन वॉच में कुछ म्यूजिक तो सेव नहीं होगा। जैसे अपना ऑडियो डिवाइस जैसे रहता है ना, वैसे आपको वॉच में से आवाज़ सुनाई देगा। आप इसमें प्ले, पॉज, नेक्स्ट, बैक जा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और इसमें गाने का नाम भी दिखाएगा। और जो आखिरी विजेट है वो है कॉल फंक्शन। आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉच के अंदर से बात भी कर सकते हैं। म्यूट ऑप्शन है, आप अगर वॉच में बात कर रहे हैं आप उसको फ़ोन में डाइवर्ट कर सकते हैं, वापस वॉच पे भी लेके आ सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी है। और इस पेज में आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। फ़ोन बुक करके 20 नंबर तक आप सेव कर सकते हैं ऐप के थ्रू। नेक्स्ट आपको जो है कॉल हिस्ट्री दिखाएगा। उसके बाद आप जो डायलर है उसमें आप डायरेक्टली नंबर एंटर करके आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फिर है उसके बाद कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट्स है। एक पहला ऑप्शन जो है ब्लूटूथ ऑप्शन जो है वॉच का, वो आपका मोबाइल से कनेक्ट होना डिसकनेक्ट होना दिखाएगा। जो वाइब्रेशन ऑन ऑफ स्विच है, उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब ऑन ऑफ स्विच है। फिर ब्राइटनेस एडजस्टर, आप स्क्रीन का ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। और ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर में तीन चार ऑप्शन है। पहला है ब्राइटनेस, फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, फिर है स्टैंड बाय डायल। स्टैंड बाय डायल वही है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है। उसके बाद है सिस्टम मेनू, उसमें आप पावर ऑफ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट है अबाउट ऑप्शन, जो आपके वॉच के बारे में आपको बताएगा। फिर हम नोटिफिकेशन में आते हैं। स्क्रीन में नीचे सुपर स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे, आप रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जो ऐप के अंदर है, आपके अंदर डिवाइसेस में मैसेज पुश का ऑप्शन है, उसके अंदर कौन सा ऐप आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो दिखा सकते हैं। लेकिन गलती से मिरर फोन क्लिक मत करिएगा, दुनिया भर का नोटिफिकेशन देगा, पागल हो जाएंगे आप। फिर है एक्सरसाइज मोड, इस बटन को क्लिक करने पे आपको एक्सरसाइज मोड पे लेके जाएगा। ये कनेक्टेड जीपीएस यूज़ करता है, मतलब अगर आप रनिंग या वॉकिंग जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको रूट पर पूरा दिखाएगा, अगर आप मोबाइल साथ में है तो। यहाँ पे अलग अलग डाटा देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज के हिसाब से दिखाएगा। इस बटन को क्लिक करेंगे या फिर स्टॉप करेंगे तो आपको जो पूरा डाटा का एक समरी दिखाएगा। और आपके जब वर्कआउट रिकॉर्ड्स रहता है आपको मोबाइल में भी लॉग हो जाता है। फिर जो है अपना मेन्यू ऑप्शन पे आते हैं, जो इस बटन क्लिक करने पे आता है। यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है इस वॉच के सब मिल जाते हैं। यह ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, आपका स्लीप डाटा दिखाएगा, आपका जितना वर्कआउट किया उसका रिकॉर्ड दिखाएगा डेली का, SPO2 यहाँ मेजर कर सकते हैं, जो आपका हार्ट रेट भी दिखाएगा, अलार्म दिखाएगा, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सेट करने के लिए आपको ऐप में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद म्यूज़िक बता चुका हूँ, वेदर है, डायल है, नोटिफिकेशंस बताएगा, फिर आपका स्टॉपवॉच, फिर टाइमर, कैमरा कंट्रोल ऑप्शन भी है। आप
अगर आपका मोबाइल में ऐप खुला रहेगा तो भी यहाँ कैमरा ऑप्शन क्लिक करने पे आपका मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा और आप फोटो ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ऐप खुला रहना चाहिए। फाइंड फोन फैसिलिटी है, क्लिक करने पे आपका फ़ोन रिंग करेगा, आप कहीं रख दिए हों गलती से तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वॉइस असिस्टेंट है, फ़ोन से लिंक हो जाता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, या फिर अलार्म सेट करना, ऐसे सिंपल एक्टिविटीज़ कर सकता है। फिर ये शेड्यूल, आपके ऐप में जो शुरू शेड्यूल आपने टाइप किया है वो इसमें दिख जाता है। आपका डेली का जो शेड्यूल आप सेट कर सकते हैं, आप इस चीज़ में ज़्यादा चेक कर सकते हैं। फाइनली है जो ऐप, ऐप के अंदर में जो पहला पेज आपको दिखेगा ये पूरा समरी पेज है। आपको पूरा जो डाटा है दिन का, हफ्ते का, सब यहीं पर दिखाएगा। कोई भी हेल्थ डाटा इसमें से एक ले लीजिएगा, उसको क्लिक करने पे आपको वीकली और मंथली आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको, आप जो कार्ड्स है उसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइसेस में जाइए, पहला है डायल, ये आपको बाद जो मैं बता चुका हूँ वो दिखाएगा। तो मैसेज पूछिए, नोटिफिकेशन का है, इनकमिंग कॉल का ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंटी लॉस फीचर है, ये वॉच में विशेष में वाइब्रेट होता रहेगा, एंटी लॉस कर दिखाएगा। फिर एक डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आपका अलार्म क्लॉक यहीं से सेट होता है। एक सेडेंटरीनेस करके है, ये आपको एवरी एक घंटा में आपको रिमाइंड करता रहेगा कि अगर आप कंटिन्यू बैठे हुए तो एक घंटे बाद आपको रिमाइंड करेगा कि बैठे हुए थोड़ा आपको मूव करना तो मूव करिए। यूनिट ऑफ मेजर आप सेट कर सकते हैं। फिर शॉक फीचर है, ये आपका वाइब्रेशन के बारे में पूछ रहा है। फिर बैकलाइट फीचर है, कितना देर तक आपको स्क्रीन, वॉच स्क्रीन ऑन रहेगा ये उसके बारे में आप सेट कर सकते हैं। 5 से 8 सेकंड का ऑप्शन है। टर्न द स्क्रीन ऑप्शन है, मतलब वही लिफ्ट टू वेक फीचर जो है। फिर हार्ट रेट ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपका शेड्यूल यहीं से सेट हो जाता है। हेल्थ केयर बोले तो लड़की लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। फिर है कैमरा, कैमरा यहां से आप जैरेट जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहां से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। फर्मवेयर अपग्रेड में आपको जो अपग्रेड चेक करता रहेगा, आप कुछ अपग्रेड आया तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप सिंक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 20 कॉन्टैक्ट तक सेव हो जाता है। और फिर लास्ट में जो है माई में जाइएगा, आपको पर्सनल इन्फो बताएगा। पूरे ऑप्शंस जो है इसके मैंने कवर किए, होपफुली कुछ इश्यूज मैंने फेस किए थे इंटरफेस का फीचर वगैरह में, वो मैं रिव्यू कर बताऊंगा। आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स एंड गुड बाय।